बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम क्लासिक्स। हम लोग यूनिट नंबर 12 पढ़ रहे थे स्पेस एंड सैटेलाइट्स, और उस हमारा चैप्टर कंप्लीट हो गया था। आज हम उसकी एक्सटेंडेड थिंकिंग करेंगे। इसमें फर्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, हाउ आर एस्टेरॉइड्स एंड मीटियोर्स आर ए लाइक एंड हाउ आर दे डिफरेंट। इसमें सिमिलरिटी मतलब कि सेम कैसे हैं और ये डिफरेंट कैसे हैं दूसरे से। इसमें सबसे पहले सिमिलरिटी हम देखते हैं, मीटियोर्स एंड एस्टेरॉइड्स आर ऑफन ग्रुप टुगेदर सिंस दे आर ऑल बेसिकली द सेम थिंग। मीटियोर्स एंड एस्टेरॉइड को हम सिमिलर इसलिए कहते हैं क्योंकि ये एक ही चीज़ है, मतलब ये क्या है, स्मॉल पीस ऑफ रॉक है या आइस है, और दैट आर नॉट पार्ट ऑफ अ मेजर प्लैनेट एंड दे आर ऑर्बिटिंग अराउंड द सन। सिमिलरिटी क्या हुई कि ये स्मॉल पीस ऑफ रॉक है, दोनों चीज़ें जो एस्टेरॉइड्स एंड मीटियोर्स हैं स्मॉल पीस ऑफ रॉक हैं और ये सन के अराउंड रिवॉल्व कर रहे हैं, ऑर्बिट कर रहे हैं। अब इनमें डिफरेंस क्या है, एस्टेरॉइड्स जो हैं ये लार्ज रॉकी बॉडी हैं इन स्पेस, जो मीटियोर्स हैं मीटियोराइड हैं ये स्मॉल रॉक्स हैं। ये डिफरेंस क्या है कि लार्ज एस्टेरॉइड्स हैं ये लार्ज रॉकी बॉडीज और मीटियोर जो हैं ये स्मॉलर रॉकी बॉडीज हैं, ठीक है। ओके, क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ आते हैं, व्हाई डज अ कॉमेट्स टेल ऑलवेज स्ट्रीम्स अवे फ्रॉम द सन। जो कॉमेट्स की टेल है वो सूरज से अवे ही क्यों होती है। इसका आंसर क्या आएगा, हमें पता है कि जो कॉमेट है वो डर्टी स्नो बॉल है, डिफरेंट गैसेस से मिलकर बनी हुई है। वेर इट गेट्स क्लोजर टू द सन वॉलेटाइल मटेरियल्स इवापोरेट्स, जो भी चीज़ें वॉलेटाइल होने वाली हैं वो इवापोरेट होना शुरू हो जाती हैं। और हमें यह भी पता है कि सन कॉन्स्टेंटली स्ट्रीम्स को रेज को इमिट कर रहा है, जिनको हम सोलर विंड्स कहते हैं। ये सोलर विंड्स क्या करती हैं, उन गैसेस को जो कॉमेट के अराउंड होती हैं उसको पीछे की तरफ धकेलती हैं, पुश करती हैं पीछे की तरफ। इसी वजह से हमें जो कॉमेट टेल है वो सन से अवे नज़र आती है। थर्ड क्वेश्चन है, वाई डू यू थिंक इट इज़ अ गुड आइडिया टू मेक द स्पेस स्टेशन एन इंटरनेशनल प्रोजेक्ट। आपके ख्याल में क्या ये एक अच्छा ख्याल है कि स्पेस स्टेशन को इंटरनेशनल प्रोजेक्ट बनाया गया है। इसका आंसर क्या है, येस इट इज़ अ गुड आइडिया। कैसे, क्योंकि एक तो ये इस तमाम ह्यूमन जो काइंड है मैन काइंड है उनको फ़ायदा होगा इससे, और दूसरी जो चीज़ है दैट कॉस्ट इज़ सो हाई दैट एवरी वन शुड पिच इट टू पे। ये थे 3 क्वेश्चन हमारे स्टैंडर्ड थिंकिंग के, इनको आपने अपनी नोटबुक्स पे नोट डाउन भी करना है और लर्न भी करना है क्वेश्चंस को। थैंक यू वेरी मच, अल्लाह ब्लेस यू ऑल।